नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक ओडिया स्टडी टेक्निक को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स देखो, आपण मानक मनरे बहुत सारा डाउट रोला आपण मैंने किपर गोटे फटो उपर जमीक एस एस सी रोकोसी फर्म पकड़ाई आपण मैंने केमी कौन ना गोटे फटो उपर आपण मैंने एडिट करके लिखिपारे जे डीओपी बा डेट अफ फटो केमती एडिट कर लिखिपारे ता सहित गोटे जिते एम बी रटो होता ना कहीं आप ग्यारी जिते एम बी रटो होता आपने क्वाटी कम करके किपर कनभर्ट करेंगे। मन करते गोटे फटो 10 MB अच्छी आपने चाहिए 50 KB करवाई किपर करेंगे मुझे मानक वीडियो माध्यम डिटेल्स जनईबी। तो वीडियोटी को आपने संपूर्ण देखिए, जदि आप मन में आज किसी डाउट रही जाए तो मतलब कमेंट सेक्शन में पचारिपारे। तो चलो देरी नक वीडियो स्टार्ट कर ना। तो फ्रेंड्स प्रथम आपण मैंने यूज करेंगे जो मुझे यूज करमती पिक्स आर्ट अच्छी पिक्स लैब अच्छी से स्नैपसीड लाइट रूम रोज। तो पिक्स लैबटा मो मत सफ्टवेयर भल हम आपने प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे। कर सारापर आपने गोटे ग्यारी फटो चूज करेंगे किपर चूज करेंगे ए प्लस आपने क्लिक करेंगे फ्रम ग्यारी जो अप्सन अच्छी तापर जो आपने क्लिक करदे आपण डायरेक्ट ग्यारी ओपेन हो ग्यारी आपर जो फटोटी एडिट कर फटोटी को आने पासपोर्ट फटोटी को आने आपको आपने रिसाइज करेंगे सैज को आपने कम बेसी करेंगे बड़ छोट करदे। कर सारापर आपर ये जगह जो लेफ्ट साइड आपने देखिपे डिलेट पाखे गोटे बटम अच्छी जैक गोटे आपण मानक देखो ये जगह प्लस चिन्ह क्लिक करेंगे टेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे से डिलीट उपर क्लिक करेंगे तापर नेक्स्ट न्यू नेक्स्ट जो आसला से नेक्स्ट उपर आप क्लिक करके आपने ये जगह आने आनी सारापर आपर क्लिक करके राइट साइड आपने एडिट ऑप्शन देखुं ये एडिट उपर क्लिक करने एडिट उपर क्लिक कर सारापर आपने मन करूँ गोटे डेट लिखापी चाहूँ जे 1 मार्च देखो 1 मार्च 2022 लिखापी चाहूँ तो यहाँ लिखीदे डन मारिदेवे मारि सारापर ओके करदे ओके करके आपने यटा को बड़ छोट किपर करेंगे ना सैज अच्छी सैज उपर आपने क्लिक करके रईट सैड जो आपर बड़ छोट देखि पार्टी बटन टी आपने टाणी ए ठिक चिन्ह करदे आपर होगापर आपर ये जगह देखो लिखाई बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड उपर आपने क्लिक करेंगे बैकग्राउंड उपर क्लिक कलापर आपर डेट टी कौन करना डेट लेटर गुड़ा सब जाक रहा ब्लैक कलर बाकी जहाँ रहा बैकग्राउंड से सब व्हाइट कलर को करेंगे आप जगह यहाँ को एनेबल करेंगे एनेबल कर सारापर आपने कलर चूज करेंगे मुझे व्हाइट करवाई चाहिए आपड़ी जब रेड करवाई चाहिए तो रेड करेंगे कि व्हाइटा सब भल देखा तो व्हाइट करेंगे तापर लेफ्ट ये जगह लिखाई देखते लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग लिखाई तो आप लेफ्टा को टिकेन बढ़ेदेवे और रईटा को टिकेन बढ़ेदेवि बढ़ेदे आपर लेटर सैज अनुसार आपर ठीक ठाक हो ठीक उपर क्लिक करदे ओके करदे आपटा को आउ टिकेन आगे बड़ करी पूरा आपर फटो सैज्र जमी कि फटो उपर पूरा पेंडिंग रोक तो से टाइप आपने करी बड़ करदे। तो देखो ये जगह मोर पूरा फटो उपर पूरा पेंडिंग रहीगला जदि आपने चाहूँ लेटर सैज को टी मैंने कौन करेंगे ना आट्राक्टिव करने लेटर स्टाइल चेंज करापर आपने स्क्रोल डाउन करेंगे फ्रंट उपर क्लिक करेंगे स्टाइल उपर क्लिक करेंगे फ्रंट उपर क्लिक कले आपको बहुत सारा ये लेटर मिल जाव जमीक ये टाइप लेटर अच्छी मुझे यही रखापी चाहूँगी कि यही रखापी चाहूँगी धर ये मुझे रखी तो आपने चेंज करके सबकि रखिपारे। तो देखो मुझे यही रखीदेली रखी सारापर आप छोट बड़ करने जेहतु लेटर सैज अनुसार आपर आनिमेसन हो तो से जगह कौन रहा है सैज उपर क्लिक करी आपके जगह बड़ छोट करदे तो आपर ये जगह देखो एबे होगा आपर फोटो एडिट। तो यहाँ को आपने एक्सपोर्ट करेंगे किपर एक्सपोर्ट करेंगे ये जो ट्रिपल डॉट अच्छी ट्रिपल डॉट उपर क्लिक करेंगे तापर आसला आपर एक्सपोर्ट इमेज आसला से एक्सपोर्ट इमेज उपर आपने क्लिक करने एक्सपोर्ट इमेज उपर क्लिक कर सारापर भल क्वाटर आपर फोटो करेंगे ना यही जगह आपर कस्टम उपर क्लिक करेंगे कस्टम क्लिक कर सारापर अल्ट्रा उपर क्लिक करेंगे अल्ट्रा उपर क्लिक कर सारापर आपर यही जगह सेव ऑप्शन आसीज। तो यही जगह देखते आपर सेव हो तापर ये जगह आसला सेव टू गैलरी ये सेव टू गैलरी आपदे आपण मान गैलरी डायरेक्ट यही फटोटी सेव हो तो आपर भल क्वाटर सेव होगा तापर आप देखते ये जगह आर्ट चलो आपको बंद करदे। तो फ्रेंड्स आपर फटोटी डायरेक्ट आपने सेव कर रखी सारे एवं एस एस सी ये फटोटी फिट होना तो एपण धरतु ये फटोटी गोटे एम भी हो तो एस एस सी आपने फर्म फिलअप जितने फर्म भी फिलअप करेंगे से आपर 20 रू 50 KB फटो होता दरकार आपको आपने किपर कमे मानने आपर कम केबी केमी करेंगे मुझे आप देखा देखते फ्रेंड्स मुझे जगह मैं ग्यारी ओपेन करने आपको डिटेल्स जाइए देखे दे फटोटी के फटोटी 502 KB
ଫଟୋଟି ଅଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 502 KB ଫଟୋଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଧିକ କେବିର ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଟୋଟିକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରପ୍କୁ ଯିବେ ଆପଣମାନେ, କ୍ରପ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଇଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଫଟୋଟିକୁ କାଟିଦେବେ, ପୁରା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଟିକୁ କାଟିକି ରଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ସେଭ୍ କରିକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହଉ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ MB2KB କନ୍ଭର୍ଟର। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି MB2KB କନ୍ଭର୍ଟର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିନେବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ ଇନ୍ KB ପର୍ MB ଅନଲାଇନ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିସାଇଜ୍ ହେବ କିପରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ଏସବୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ଼୍ ଇମେଜ୍, ତ ଏଇ ଅପଲୋଡ଼୍ ଇମେଜ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼୍ ଇମେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଖୋଜିବ, ତ ସେଇ ଫାଇଲ୍ଟାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ, ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପଲୋଡ଼୍ ଇମେଜ୍ ମାରିକି ମୁଁ କରିଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ରିସାଇଜ୍ ଅଛି, କ୍ରୋପ୍ ଅଛି, ମିରର୍ ଅଛି, ରୋଟେଟ୍ ଅଛି, କନ୍ଭର୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ରୋପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 40 KB, ମୋର 20-50 KB ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯେତେ MB ଚାହୁଁଥିବେ ସେତେ MB ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବେ, 1 MB ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ MB ଚେଞ୍ଜ କରି KB MB କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10 MB ଚାହୁଁଥିବେ 10 KB କରିପାରିବେ, 20 KB ଚାହୁଁଥିଲେ 20 KB କରିପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋଟି ଥିଲା 279 KB, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 38.69 KB ରହିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଗୋ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା 38.69 KB। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ SSC ର ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ପକେଇବା କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର SSC ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।